आगरा घराने की पारंपरिक संगीत रचनाएं पेश कर रहा हूं, जिसमें 15वीं शताब्दी में मानसिंह तोमर और अकबर के काल में जो रचनाएं हमारे मूल पुरुष हाजी सुजान खान साहब ने की, उनका नाम इतिहास में सुभान खान आता है, उपनाम उनका सुजान था, जिससे वो अपनी रचनाओं में अपनी पहचान दिखाते थे। तो लीजिए, पेश है उनका एक ध्रुपद जो पहले कबीर राग भैरव में था, पिछले 60-70 साल के अंतर्गत उसको राग जोग में कर लिया गया। सुजान खान की रचना पेश करने से पहले थोड़ा सा राग जोग के बारे में बताना ज़रूरी है। ये राग है अतरौली के महबूब खां दरसपिया का, जो बहुत मशहूर रचयिता थे, जिनकी रचनाएं न सिर्फ आगरा घराना बल्कि जयपुर घराने में भी गाई जाती हैं। तो पेश कर रहा हूं ध्रुपद, भक्ति रस का ही ध्रुपद सुजान खां का। चौताले में ये ध्रुपद निबद्ध है, ताल चौताले में। इसके बोल हैं, प्रथम मान अल्लाह जिन रचो नूर पाक, नबी जी पे रख ईमान एरे सुजान। अंतरा है, वलियन मन शाह मर्दान, ताहिर मन सैयदा, इमाम मन हसनैन, दीन मन कलमा, किताब मन कुरान। Yeah.
तारे मन सही मन है सीन मन कर ध्रुपद की इस रचना का बहुत से ग्रंथों में इस प्रकार जिक्र है। सुजान खां अकबर के ही काल में मक्का और मदीना हज के लिए गए थे, पिलग्रिमेज के लिए, और जहां उन्होंने ये ध्रुपद एक स्तुति के रूप में मदीना में नबी जी के रोज़े मुबारक पर नात के रूप में पढ़ी। नात उसको कहते हैं जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान में उनको प्रेस किया जाता है, जिस कविता में, उसको कहते हैं नात। तो भारतीय संगीत के इतिहास में ये पहला भक्ति रस का वो ध्रुपद है जिसको हम नात कहते हैं। इस ध्रुपद का जिक्र कथाओं में है, कहानियों में, एनेक्डोट्स में है, किताबों में है, बहुत सी किताबों में है। इस ध्रुपद का सीक्वेल यानि वहाँ से आने के बाद जो रचना उन्होंने की उसका जिक्र राग मेघ के साधरे में है, वो इस प्रकार है। प्रथम मान प्रथम मान साधरा प्रथम मन अल्लाह नाम रच प्रथम मन जन नाम रच रच पाते नबी सुजान आयो कविता में कहा है ये नाम रस के मैं आया हूँ, रसपात नबी सुजान उनके रोजे पर ये स्तुति, तो उसका जिक्र इसमें है। आले मन से आयो है
सुजान खां के बाद बहुत से अगली पीढ़ी में उनके भाई सुरज्ञान खां, उनके भाई विचित्र खां सॉरी, और बेटे सुरज्ञान खां जो अकबर के काल में उन्हीं के साथ उनके दरबार में थे, उनकी रचनाएं तो उपलब्ध नहीं हैं। उनके बाद के काल में बहुत से लोग आए और वो वैष्णो भक्तों के साथ, दादू दयाल की मानने वाली शैली के साथ राजस्थान में झुंझुनू फतेहपुर के इलाके में रहे। भक्ति संगीत उन्होंने गाया, ध्रुपद को भी उन्होंने प्रिजर्व करके रखा जो बाद की शैली में आया, पीढ़ी में आया। उनकी बात के कई पीढ़ियों के बाद श्याम रंग सरस रंग दो भाई आते हैं, जिसमें से श्याम रंग नुहार बानी का ध्रुपद धमारी गाते थे। उनकी रचना एक पेश कर रहा हूँ, राग बहार में धमार। थोड़ी सी गायकी भी बता रहा हूँ, ध्रुपद धमार की जो गाई जाती है रचनाओं के साथ, ये भी थोड़ा थोड़ा श्याम रंग देग बचाऊं ते छाया, श्याम रंग देग श्याम रंग देग बचाऊं ते छाया, नुहार बानी की इस ध्रुपद के साथ अब मैं ख्याल की तरफ आता हूं। उनके भाई सरस रंग भी ध्रुपद धमार गाते थे, साथ ही ख्याल गाते थे। ख्याल के बारे में यह है कि सुजान खां इन चार बानियों में
नौहर बानी में आरंभ से ही ख्याल गाया गया। ख्याल के कई स्वरूप थे गायकी में, कविता के अनुसार भी, जैसे कि ख्याल को दोहरा और दोहा भी कहा गया, जिसकी दो पंक्तियाँ होती थीं। कई ख्याल ऐसे भी हैं जिनकी चार पंक्तियाँ भी हैं ध्रुपद की तरह से, और यही रंग उसको बाद में सदा रंग के ज़माने में ख्याल जो एस्टेब्लिश हुआ, ध्रुपद बेस्ड ख्याल माना गया। वो ध्रुपद की जो चौकटा है, जो उसका ग्रैंडर है, डेप्थ है, वो बिलंपत रूप में ख्याल में आई। सरस रंग की एक रचना हमारे यहाँ चली आ रही है, बड़ी मशहूर है, छायानट में नेवर की झनकार। पेश है धीमा ठहराव। नेवर के झनकार आगरा घराने में ख्याल क्योंकि आरंभ से ही आया, वैसे उसकी प्रस्तुति में, मंच प्रदर्शनी में ज़्यादा प्रकाश इसलिए नहीं पड़ सका कि संगीतकार के साथ साथ म्यूजिशियन होने के साथ म्यूजिकोलॉजिस्ट होना बड़ा ज़रूरी है। जो बीच की पीढ़ी में लोग बड़े विद्वान ज़रूर थे, मैं उन्हीं के चरणों में बड़ा पला, फिर भी कहने की आवश्यकता है कि बड़े सीधे साधे लोग थे, ज़्यादा छानबीन नहीं थी। बहुत सी बातें अलोप हो गई इसी कारण, लेकिन वो एविडेंसेस उसके मौजूद हैं। रचनाएं ज़रूर घर में हैं, उसी के आधार पर और कुछ किताबों से भी मैंने लिया, तो ख्याल इस सरस रंग तक इस रूप में आया। सरस रंग के बाद श्याम रंग के दो भाई थे। श्याम रंग की औलाद में सबसे बड़े ध्रुपद धमार गाने वाले जो भाई थे जंगू खां, जिनका जिक्र या प्रोपेगेशन बिल्कुल नहीं हुआ और मैं करता हूँ। उनके बाद सवाब खां ध्रुपद धमार गाते थे, उसके बाद गुलाब खां तीसरे भाई, वो सितार बजाते थे। सबसे छोटे भाई खुदा बख्श, जिनको निक नेम ये हो गया घग्गे खुदा बख्श, उन्होंने ध्रुपद धमार के पश्चात ख्याल भी गाया। तो ख्याल के बारे में ये कहा जाता है,
के ग्वालियर घराने से आया। बेशक उन्होंने मियाँ नथन पीर बस से ख्याल वहाँ जाकर सीखा, लेकिन इससे पहले भी ख्याल का जिक्र इसलिए है कि नथन पीर बस ने ध्रुपद धमार श्याम रंग से सीखा था, इसीलिए वो उनके पास गए। ये हमारा उनका ग्वालियर का और आगरे का ये रिश्ता है जिसको चला रहा है। इसमें थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ ध्रुपद धमार का, क्योंकि ध्रुपद धमार ही पहले गाया जाता था ज़्यादा। तो ख्याल की ये शक्लें एक रूप यहाँ पर ग्वालियर के भी आया गग्गे खुदा बख्श के ज़माने में, उनसे सभी लोगों ने सीखा। बात की श्रेणियों में मियाँ नथन खां जो मेरे दादा थे, जिनके पट से उनके बेटों के अलावा पंडित भास्कर बुआ बखले हुए। मियाँ नथन खां साहब की एक बड़ी मशहूर चीज़ चली आ रही है, शाम के उपनाम से वो रचनाएं किया करते थे। सूरदासी मलार का ख्याल में पेश कर रहा हूँ। सूरदासी मलार जनरली आम तौर पर जो गाया जाता है, ये शक्ल है, लेकिन उस्तादों ने देश अंग का एक और इसका वेरिएशन इसमें लाए जो मैं पेश कर रहा हूँ। डर लागे उठरिया, डर लागे उठरिया, डर लागे उठरिया, पिया नहीं मोर पतरिया, कैसे करो मोरे मा करो मोरे माए डर लागे मुझे करिया, ग ग ग ग ग ग ग गगनु कर दे, ग ग ग ग ग ग गगनु कर दे, नानी नानी बोलिया मैं बर से, ग ग ग ग ग ग गगन कर दे, ननी ननी बुदिया नेहा बर से, चलता पुरवाई में सन नन नन, डर लागे मुझे करिया, डर लागे रे, डर लागे मुझे करिया, डर लागे मुझे करिया। नथन खां साहब की इस रचना के साथ उन्हीं के बारे में विषय में कुछ और कहना ज़रूरी है। आज जो बहुत धीमे गति में झूमरा और ताल एक मात्रे के चार चार मात्रे बना के गाए जाते हैं, इसके बानी मुबानी वही है कि जो इससे पहले अस्थाई भरी आती थी, बहुत चलते हुए एक ताल में बहुत ठहरावा नहीं गाया जाता था। वो स्वरूप थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। Oh,
कह दीजिए कर दादा राम ते एक नमूना कितने ठहरे हुए लय में उनसे पहले उनके कॉन्टेम्प्रेरी कोई नहीं गाते थे तो ये बिना उन्होंने ही डाली। रतन खां साहब के कई बेटे थे, बड़े बेटे मोहम्मद खां साहब बड़े गुनी गंधर्व कहलाते थे, बड़ी याददाश्त थी, बड़ा ज्ञान था, बहुत उन्होंने शागिर्द बॉम्बे में महाराष्ट्र में किए। दूसरे बेटे बड़े प्रसिद्ध गायक निकले अब्दुल्ला खान साहब, जो कि कर्नाटक में और महाराष्ट्र में ही रहे। तीसरे बेटे मेरे पिताजी उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब, मेरे चचा भी थे नन्हे खान साहब। तो पिताजी प्राण प्रिया के उपनाम से उन्होंने बहुत सी रचनाएं की और बड़े मशहूर हुए हिंदुस्तान में। रीत का गाना उन्होंने गाया, कठिन से कठिन राग उन्होंने परिचित किए, संगीत जगत को दिए, सिखा कर भी दिए। तो उनकी कई रचनाएं मैं पेश कर रहा हूं। बिलावल ठाट का धनाश्री, जो बहुत रेयर राग माना जाता है, बहुत कम गाया जाता है, बहुत कम सुना जाता है, उसमें एक दुरत ख्याल उन्होंने बनाया। Yeah.
धनाश्री की ये बिलावल ठाट की धनाश्री है। इसके बाद प्राण प्रिया की वो रचना पेश कर रहा हूँ जो कि अपनी उन्होंने जिंदगी की आखिरी रचना उनकी बहादुरी टोड़ी में बहुत रागों में उन्होंने बनाए जो पेश करूँगा मैं। राग अहिर भैरव कुछ कहते हैं बड़ा पुराना राग है लेकिन माना यही गया है 70 या 80 साल पहले पुराने लोग इसको नहीं गाते थे या सामने ही नहीं आया। आज बड़े प्रचार में है
लोग भैरव भूल गए इसके आगे, अहिर भैरव या नर भैरव गाते हैं। तो इस राग के बारे में विशेष ये कहना है, पुराने लोग थे मेरे गुरु पिता उस्ताद विलायत हुसैन खान साहब ने पता नहीं कैसे इस राग को सुना, उन्हें पसंद आया और उन्होंने भी एक रचना इसमें भक्ति रस की बिलंपत का ख्याल बनाया। पेश कर रहा हूँ राग को उन्होंने कैसे छुआ, उन्हें पसंद आया, नया राग है, मॉडर्न राग है, मगर इस राग को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया और उसका सही ज्ञान अपनी बंदिश में दिया है। जैसे कि इस राग में पंचम की जगह हम मध्यम मिलाते हैं, पंचम जरूर है राग में लेकिन बड़े अंदाज से वो धा से पा पे हम मध्यम पे आते हैं। माधव ये नहीं माबद, लेकिन क्या हुआ लोगों ने इतनी लिबर्टी से गाना शुरू किया या शायद जानकारी नहीं है। माधव नी सा नी रा पासुर ले लिया अवरोही में, माधव नी सा नी रा ये भी हो जाता है कभी कभी। उन्होंने बड़ी मास्टरी हासिल की रागधारी पर, तो खास तौर पे मुखड़ा उन्होंने पंचम से शुरू किया। ये उन्होंने दिखाया उसमें। इसी में छोटा ख्याल मैंने भी बनाया, जब मेरा नंबर आएगा रचयिता बतौर तब मैं वो सुनाऊंगा आपको। कॉक ऑफ बिलावल एक बहुत रेयर वैरायटी है बिलावल की, उसमें बड़ी बंदिश अच्छी की है पिताजी ने। तेरो रंग रूप सब देख कर
सास के पर निसज में चार तेरो रंग रूप सब देखत तेरो रंग रूप सब देखत जिया सुगे पर निसज में चार राग गारा एक ऐसा राग है जो बहुत कम गाया और सुना गया। आगरा घराने में द्वारा इसका बहुत हो गया। कितना हो गया ड्यूरेशन? अच्छा अच्छा तो आप ये कर लीजिएगा। ठीक है। प्राण प्रिया की रचनाओं में आनंद भैरव की एक रचना बड़ी मशहूर है जो पेश कर रहा हूं। आनंद भैरव रात्रि गाए जाने वाले राग आनंदी के एक फ्रेज को मिलाकर बनाया गया है जो इस प्रकार है। सुनरी सखीरी जब से आगे मोरी सुनरी सखीरी सन दिया सग लाई पद भई मोरी
पत कार अहिर भैरव मॉडर्न राग है, इसी तरह से कल्याणों में पूर्य कल्याण आज माना जाता है। वैसे जो पूर्या है वो बताते खुद पूर्या कल्याण की कल्याणी है, कल्याण की रेस में आता है। जो इस प्रकार अब इसमें एक बड़ी खूबसूरती से पंचम मिलाकर पूर्या कल्याण किया है, तो कहना ये नाम के लिए कहना था। तो ये राग भी उन्हें पसंद आया पिताजी को, तो उन्होंने इसमें एक विलंबित ख्याल बनाया भक्ति रस का। छाप आ जाता है किराने का, तो क्या है गायकी डिफर करती है। जो एम्बलिशमेंट्स हैं, लक्षण हैं, वो हमने एडॉप्ट कर लिए, सेलेक्टेड। इन्होंने दो चार चीज़ें सरक बुरक ले ली, उन्होंने हिक्का ढोरन बोरन गमक ले लिया, लेकिन कुछ राग ऐसे हैं वो कहते हैं कि मुझे सारे ही लक्षण जो है मुझमें इस्तेमाल करो, फिर भी एक छाया राग अनुसार पड़ जाती है। ये पटियाला, ये किराना, ये ग्वालियर, ये आगरा। तो आगरे का अंग इसमें किस तरह से आता है ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट पे। तरीका इसी में सरक मुरक हो जाए। Bye.
यहीं से एक इम्प्रेशन उस तरफ हो जाता है कि गायकी का अंदाज जो है आगरे का है, क्योंकि रागों की छाप पड़ गई है। थोड़ा सा न्यायकारी विशेष तौर पर इस राग में मैंने इसलिए दिखाया कि पूरा पैटर्न को ही नहीं माना जाए। गारा पेश कर रहा हूं। इस राग की कथा बाप बेटे की है। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर बंदिश गारे की गाई जाती है, जिसका मुखड़ा ये है। पहले मैं अलापता हूँ राग। हजरत अमीर खुसरो का है और बहुत लोग गाते बजाते हैं आजकल। हमारे यहाँ एक ख्याल गाया जाता था, बारम बार इतना सा ख्याल ही है, छोटा सा है। बारंबार वारी रे माँ, मैं तुझ पर वारी जा रही हूँ बार बार, ये माँ कह के उसको एड्रेस कर रही है और अंतरा भी उसकी है। तो
मुझे कुछ बड़ी बेचैनी अनईजी फील करता था, मैंने उन पर फरमाइश डाल दी, पिताजी एक ख्याल बनाइए इसमें। तो मेरे फरमाइश पर उन्होंने एक भक्ति रस का ख्याल बनाया, बड़ा पसंद आया मुझे। और ये हुआ, जब भी मैं रियाज के लिए बैठता हूँ तो बड़ी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेता हूँ, क्योंकि उसमें है अस्थाई में। साथ ही एक भावना मेरी ये होती है कि मैं पिताजी का स्वरूप सामने ध्यान में लेता हूँ कि ये कथा थी उन्होंने बनाई। तो बड़ी श्रद्धा के साथ रियाज में, चाहे मैं उसको एक मिनट के लिए गाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर गाता हूँ। तो पेश है आपके सामने, तो रब Bye.
उस्ताद विलायत हुसैन खां साहब की रचनाएँ प्राण प्या के उपनाम से मैंने पेश की हैं दो चार, वैसे बहुत उनकी रचनाएँ हैं। प्रेम प्या के उपनाम से उस्ताद फैयाज खां साहब की बहुत सी रचनाएँ हमारे सामने हैं, जिनमें से मैं दो पेश कर रहा हूँ। पहली रचना सुहा सुगरई, ये दो रागों का कॉम्बिनेशन है। सुहा अलग है और सुगरी अलग है, जिसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पसंद करूंगा, जो कि सबके लिए बड़ा लाभदायक होगा। सुहा सरे गामनी पर सा सानी बमरे सरे गामरे सरे सर। पुराने बुजुर्ग इसको दिन का कानाड़ा भी कहते थे, क्योंकि दिन में भी दरबार में गाया गया, जिसका जिक्र एक बार तानस खां साहब का है, जो दिल्ली घराने के थे और बहादुर शाह जफर के शाही गवैये थे, मीन्स इम्पीरियल सिंगर। तो इसमें सिर्फ दुरुत ख्याल बनाए गए, सदारंग के भी कंपोजिशन है, वो भी दुरुत ख्याल में सभी लोग गाते हैं। ये सुहा था, सरे गामनी पा सानी पा मरे सरे गामरे सा। दूसरा है सुगरई। सुगरई के बारे में पहले मैं स्वरूप दिखाता हूँ। सरे गामरे पा मनी पा मानी सा देनी सा पानी पर पा गामनी पा गामरे सरे सर। सुगरई है, सुगरई कानाड़ा। इसी को पुराने लोग शुद्ध कानाड़ा कहते थे, जो कि जिसका पैटर्न सभी प्रकारों में जो कानाड़े में आते हैं नज़र आता है। कहकर नहीं कि मैंने कह दिया, मतलब स्वरूप तो साफ नज़र आता है। जैसे दरबारी है, हालांकि कोमल थी बात, देखिए सरे गे सरे सरे अब विदाउट दैवत जब उसमें आएगा तो सुगरे का रंग आएगा। माँ बदनी सब निजरे दनी पर नाउ मा गया। शुद्ध कानाड़ा यानी सुगरई।
तो सुख रही और सुहा आपके सामने पेश है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन हिरत का ख्याल है ये, और इसका संबंध मेरे जीवन से है। जबकि मैंने संगीतकार के रूप में बचपन में पहला जलसा गाया मैसूर महाराज श्री कृष्णराज वडियर के वहाँ मेरे पिताजी दरबार गायक थे। मैं छोटा था, 11-12 साल का था। महाराज ने पूछा कि बच्चा किसका है, कहने लगे कि मेरा ही है, कहने लगे कुछ सिखाया है, गाता है तो सुनवाओ। तब मुझे साथ तो जिंदगी में पहला ऑडियंस के अंदर दरबार में मैं गाया है। पेश ही रचना उस्ताद फैयाज खान साहब की प्रेम प्रिया के उपनाम से। जब से प्रेम मोह है उनको भयो है, सुदय न रही तन मन गिनन नो दे, देगी मन नो दे, पानी सरी सनी पमरी लगाए सुहा गामा पमरी दरे साए सुग्रही, पानी सरी सनी पमरी लगाए गामा पमरी दरे ये इस तरह से हुआ कि दोनों राग मर्ज होके एक अलग शक्ल उसकी बन गई, जो कि बसंत बहार दो रागों की नहीं बनती है। बाहर में जाते तो अलग लगता है, सांसें मिलाते हैं या पंचम बजा के, और बाहर अलग हो जाता है बसंत अलग, मगर ये मिल गया। जब से प्रेम मोर उनको भयो राग सोहनी में एक दादरा रियाज खान साहब ने रचा, पंचम बंद कर दे। Na 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 na
जाव जाव सैया। दादरा चलो हट जाव जाव सैया, चलो हट जाव जाव सैया। नहीं बोलू रे नहीं बोलू रे नहीं बोलू रे, चलो हट जाव जाव सैया। नहीं बोलू रे नहीं बोलू रे नहीं बोलू रे, चलो हट जाव जाव सैया। प्रेम पिया तुम अपनी गरज के, प्रेम पिया तुम अपनी गरज के, जिया की बात नहीं खोलू दे नहीं खोलू दे नहीं खोलू दे, हट जाओ जा सैया। जावो सैया रे, चलो हट जावो जावो सैया। प्रेम पिया के इस दादरे के बाद और सुहास सुगरे के ख्याल के बाद उस्ताद खादिम हुसैन खान की रचना बसंत बहार में पेश कर रहा हूँ। सजन पिया के उपनाम से रचनाएं करते हैं, अब जीवत हैं जीते रहें, आगरा घराने की डोयन है वो इस वक्त। मैंने अभी जिक्र किया था दो रागों के मिश्रण का सुहास सुगरे में, कि मर्ज होकर एक शक्ल उसकी हो गई। थोड़ा सा मैंने दिखाया भी, छोटे छोटे फ्रेजेस आरोही अवरोही में दिखाए। बसंत बहार का मैंने जिक्र किया था तो कुछ अजीब लगता है, लेकिन खादिम हुसैन खां साहब ने उसको किस तरह से निभाया है, ये एक चमत्कार है, एक उस्तादी है। इसी को कहते हैं रागदारी। सा सरस और पंचम से जो राग बदला जाता है उसमें खूबसूरती होती है, किसी और सुर से अगर जाते हैं तो बड़ा अजीब सा हो जाता है, वो इस रचना में है बड़ी सुंदरता के साथ। आए बसंत बहार, आए बसंत बहार, जहाँ बसंत है वहाँ बसंत है, और जहाँ बाहर है वहाँ बाहर राग आ गया। Ah
दबा सजन पिया ये जा कहियो हमर कांत से ये जा कहियो। पहले ये तांत्रिक में हमने भाई साहब से कहा, मेरी कजिन है, कि अपना नाम आप क्यों नहीं लगा रहे। तो मैंने नाम लगा दिया अमरिकन के बजाय सजन पिया से ये जा कहियो सजन पिया ये जा कहियो घर सजन पिया सजन पिया से ये जा कहियो सजन पिया से ये जा कहियो घर अब थी मेरे सभी बड़ों की बुजुर्गों की मेरे जितने भी गुरु हैं सभी गुरु हैं खानदान में मुख्य रूप से जिन जिन से सीखा मैंने नाम बताए मगर कुटुंब परिवार में जिसको घराना कहते हैं एक फैमिली है उसमें यह होता है कि आज हमारा सामना हो गया तो इनसे भी सीख लिया उनसे सीख लिया ऐसे हमारे पास भी आपस के लोग आते हैं हमने उनको सिखा दिया। इसी तरह से ये जो खजाना है संगीत का आगे बढ़ता है। पिछले शैली में जनरेशन में अगर सौ रचनाएं हैं उन्होंने एक राग में बाहर ले लिया या यमन ले लिया चार इनको सिखा दी दो इनको सिखाई दो मुझे सिखाई छह इनको सिखा दी दाब के बाद दस हैं इनके पास भी हैं कुछ आठ दस रचनाएं। अब क्या हुआ वो रचनाएं कैसी सिखाई उन्होंने जो इनको सिखाई वो आपको नहीं सिखाई। अब हुआ ये कि आपने एक्सचेंज कर लिया जो आपको याद नहीं था उनसे आपने ले लिया। इस तरह से ये खजाना आगे बढ़ता है। इसी तरह से मेरे पास भी आया और जो मेरे कॉन्टेम्प्रेरीज हैं उनके पास आया तो उन्हीं के कदमों पर उन्हीं के पथ पर चलते हुए दर्पण के उपनाम से मैंने भी रचनाएँ की हैं और उनके आशीर्वाद से इस हद तक हो गया कि कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं तो ऐसा हुआ कि नई जनरेशन में कहते हैं अरे क्या पुरानी इतनी चीज़ें हैं नई क्यों बनाई तो उसका एक कॉज है उसका कारण है। जैसे कि आपने अभी फरमाइश की थी साग में सुनाइए तो एक साग में सुनाऊंगा लच्छा साग। उसमें दुरुस्त ख्याल नहीं था और उसकी ज़रूरत थी। दुरुस्त ख्याल का रोल यह है कि एक बहुत रेयर राग है एक बड़ा ख्याल उसमें है आप उसी को गाते रहें लेकिन उसको लाइफ आगे नहीं मिलती। छोटा ख्याल उसको आगे बढ़ाता है उसमें फ्लो आता है। ये छोटी नदी बड़ी होती जाती है और ओशन में जाके गिरती है संगीत सागर है ये। तो मैं अपनी रचनाओं के साथ साथ दूसरी पुरानी रचनाएँ इस रूप में पेश करूँगा कि मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किए एज ए रचयिता एज ए कंपोजर। लच्छा साग साग के बारे में ये है चार साग हैं
राम साग, लच्छा साग, देव साग, भों साग। अब ये शक्लें बड़ी अच्छी बनी, रेयर राग में मानी जाती हैं, बहुत सुनने में नहीं आती। खास बात यह है, संगीतकार होने के नाते जो कुछ मुझे आंखें मिली, मैंने सोचा, विचार किया, तो ये चार साग जो है ज़रूर अपनी अपनी एक शक्ल है और रेयर है, वैरायटी है, लेकिन ये अलग अलग रेस में आते हैं। कुछ साग आते हैं बिलावल में, कुछ खम्माज में, कुछ कानड़े रूप में आते हैं। तो वो आदर तो मुझे है कि वो नई नई पुरानी शक्लें जो हैं एक दूसरे से डिफर करती हैं और बड़ी रेयर हैं, लेकिन ये अलग अलग रेस में आती हैं। लच्छा साग मैं पेश करूँगा, रूपक ताल में करूँगा। लच्छा साग की एक पुरानी बंदिश है, वैसे इसमें एक ध्रुपद भी है पुराना, मियां तानसेन का। इसमें मैंने कई बार मैं भी गाया और लोग बड़े भी गाए मेरे, तो उसमें एक नमूने बतौर कोई बड़ा राग गा रहे हैं, एक घंटा गाया और एक पाँच मिनट नमूना या दस मिनट या जितनी कैपेसिटी जिसकी होती है, जो अप्रोच है, लेकिन उसमें फिर भी एक लिमिटेशन ये था कि छोटा ख्याल अगर हो तो और फैला के गा सकते हैं। जो कंक्लूडिंग पार्ट है उसको लाइफ मिलती है, वो भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है, तैयारी कान, वो एक फिनिशिंग टच है रिसाइटल का, अगर खूबसूरती से किया जाए। तो मैंने एक रचना की और ये फरमाइश पे की, एक साल में ITC की संगीत रिसर्च अकेडमी भी रहा, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे संगीतकार हैं, उनमें से एक ने मुझ पर फरमाइश की कि भैया इसमें ख्याल बनाओ, तो पेश है दुरुप ख्याल। दुल्हन मन बन मन बा
manavai saveri saloni adved naved dulehan rupa dopan du sigar vakar rupa dopan du sigar vakar degad degad darpan sajee dulhan nava dulhan manava dulhan manava dulhan sani rama gama saga gama pa 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 gama saga gama mani pa pa gama dani da yani gama sani da pa ni da pa ma gama sadule ye le cha sag mein maine koshish ki aur kai jagah isko bada pasand kiya gaya अहिर भैरव का मैंने जिक्र किया था तीन ताल में एक ख्याल मैंने और साहित्य रूप से भी देखा जाए श्रृंगार रस का ये ख्याल है कविता भी इसकी बड़ी अच्छी मानी गई और बहुत लोगों ने मुझसे ये सीखा घराने के अलावा भी सावरी सरोनी अल बेली नवेली नारे सावरी सरोनी अल बेली नवेली नारे सावरी सरोनी अल बेली नवेली नारे तिया के मेले को करत अति सिंगार तिया के मिलन को करत अति सिंगार सावरी सरोनी अल बेली नवेली नारे रूप जो बन पर आयो रंग निखार रूप जो बन पर आयो रंग निखार मुग देखत दर्पण पर बार रूप जो बन पर आयो रंग निखार रूप जो बन पर आयो रंग जो बन पर रूप जो बन पर सनी दा बम